चैनल। आज हम बात करेंगे थॉमस कुक कंपनी के बारे में। ये 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है कि थॉमस कुक कंपनी कोलैप्स हो गई है, मींस बैंकक्रप्ट हो गई है। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे, क्या रीजंस रहे हैं इसके पीछे, बैंकक्रप्ट होने के पीछे, और इसका क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, और इसका क्या फ्यूचर रहेगा। सबसे पहले देख लेते हैं एक ओवरव्यू थॉमस कुक कंपनी के बारे में। थॉमस कुक कंपनी एक इंग्लिश बिजनेसमैन के द्वारा फाउंड करी गई थी 1841 में। माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे पहली ट्रैवल कंपनी है। इसको लगभग 178 ईयर ओल्ड हो चुके हैं। इसका यूके यूके की बात करें तो 9,000 स्टाफ इसका यूके में है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें कि 21,000 स्टाफ ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इसके पूरे कस्टमर्स की बात करें तो 6 लाख प्लस कस्टमर्स हैं पूरे ग्लोब में। और इस सबसे पहले यही एक कंपनी थी जो एक हॉलीडे पैकेजेस के साथ आई थी। इससे पहले जो है लोग हर चीज़ होटल्स वगैरह फ्लाइट वगैरह अलग अलग बुक करा करते थे, मगर इसी कंपनी ने रिवोल्यूशनाइज़ किया था ट्रैवल को कि हम आपको एक पैकेज देंगे पूरा, आप पैकेज के साथ लीजिए, पैकेज के साथ ट्रैवल करिए। अब इसके रीजंस क्या हैं बैंकक्रप्ट होने के पीछे। सबसे पहली बात है इसके ऊपर डेब्ट था। डेब्ट मीन्स कर्ज़ा। इस पर लगभग 2.1 बिलियन डॉलर का कर्ज़ा हो गया था और ये बढ़ता ही जा रहा था। और इसके सीईओज़ जो हैं, जो इसके ओनर हैं, जो की पीपल्स हैं, उसको चलान वो उसको निपटा नहीं पाए। और कुछ रीजंस हैं इसके, जैसे पॉलिटिकल अनरेस्ट इन टर्की। जो मेजर मेजर जो इसके प्लेसेस हैं जहाँ ये मेजर बिजनेस करती है, वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से कस्टमर क्या होता है डिले कर देते हैं अपना। अगर वहाँ पे कोई भी सिचुएशन बिगड़ी हुई होती है तो कस्टमर नहीं आए यानी बिजनेस नहीं हुआ। और जहाँ पे इसके मेजर हैं वहाँ पे समर हीट वेव भी आई थी, इस वजह से भी कस्टमर डिले कर देते थे। और इस तरीके से कर्ज़ा बढ़ता ही जा रहा था इनके ऊपर। और सबसे एक और इसका पॉइंट रहा है बैंकरप्सी होने का, जो न्यू एंड राइवल्स आ गए हैं इसके। जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे ओयो आ गया है, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, तो ये उनको उन लोगों को कंपटीशन नहीं कर दे पा रहे थे। तो इस वजह से ये भी एक रीज़न है इनके बैंकरप्ट होने का। अब इसका इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अभी फ़िलहाल देखा जाए तो 2,40,000 कस्टमर्स हैं जो अब अब्रोड हैं, अपने घर से दूर हैं। तो क्या हो रहा है कि ब्रिटेन्स की जो वो एविएशन रेगुलेटरी है, वो फ्लाइट्स अरेंज कर रहे हैं उन ट्रेवलर्स के लिए कि उन्हें अपने घर से वापस ला सकें। इस वजह से क्या हुआ है कि केओस पैदा हो गया ट्रेवलर्स के बीच में। आप जा रहे हैं, मान लीजिए किसी कंपनी से आपने हॉलीडे पैकेज बुक कर रखा है और आप फॉरेन गए हुए हैं, और मान लीजिए ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है उसी कंपनी की कि वो बैंकरप्ट हो गई है, तो आप तो वहाँ फंस जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा ट्रेवलर्स के बीच में दिक्कत भी पैदा हो गई है, सोच रहे हैं कि जाएँ इन इन चीज़ों का यूज़ करें या ना करें। और इसका एक इफ़ेक्ट ये भी होने वाला है कि जैसे जो स्मॉल फर्म्स थी, जो जैसे छोटे मोटे कैफ़ेज़ होते हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं जो ट्रेवलर एजेंसी पर डिपेंड होते हैं, उन लोगों को भी बड़ी दिक्कत होने वाली है। इसके बैंकक्रप्ट होने की वजह से जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 20% गिरावट देखने को मिली है हमें। तो मान लीजिए इसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा है। अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में क्या है। सबसे पहली बात तो थॉमस कुक इंडिया इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट एंटिटी है। एक्चुअली क्या है कि कनाडा की MNC है, फेयरफैक्स फाइनेंशियल हॉलीडेज़। इसने एक्वायर्ड कर लिया था 2012 में थॉमस कुक इंडिया को, और उसके एग्रीमेंट के हिसाब से लिखा गया है कि उसमें लिखा है कि 2024 तक थॉमस कुक इंडिया का नाम थॉमस कुक इंडिया नहीं रहेगा, वो फेयरफैक्स फाइनेंशियल हॉलीडेज़ हो जाएगा। तो इंडिया में इसका कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इंडिया में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉफिटेबल है। तो ऑल ओवर बात करें तो इंडिया में कुछ नहीं है, जो इसका मेजर मेजर इफेक्ट पड़ा है वो आउटर कंट्रीज़ में ही पड़ा हुआ है।